सभा चूंटणी पूर्व तैयारीना भागरूपे राजकीय पक्षो एक्शन मोडमां छे। आ दरमियान हवे आजे विपक्षी नेताओने एक महत्वनी बैठक बिहारना पटनामां आयोजन करवामां आव्युं छे। विपक्षी एकतानी बैठक शुक्रवार सवार वाग्याथी सीएम नीतीश कुमारना सत्तावार निवास स्थान स्थित नेक संवाद रूममां योजाशे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमारनी पहल पर आयोजित आ बैठक समर्थनमां महत्वपूर्ण छे कि आ बैठकमां कोंग्रेसना नेता राहुल गांधी अने कोंग्रेसना राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित देशना तमाम विरोध पक्षना नेताओ हाजर रहेशे। विपक्षी एकता माटे केन्द्रनी मोदी सरकार विरुद्ध आ प्रकारनी बैठक पहली वार थई रही छे। आ बैठकमां पीएम मोदीनी वात करवाने बदले वन फॉर्म्युला पर चर्चा थशे। विपक्षीनी एकता अंगेनी सामान्य सभामां विपक्षे सरकार बनावानी तक मळशे तो वडाप्रधान कोण हशे तेना पर कोई चर्चा नहीं थाय। केन्द्र बैठकमां 2024 नी लड़ाईमां वन फॉर्म्युलाने आगळ वधारवा संदर्भमां विपक्षी एकता पर चर्चा करवामां आवशे। तेनो मूळ सिद्धांत ए छे कि जे राज्यमां पक्ष भाजपने हरावानी स्थितिमां होय त्यां समग्र विपक्षे एक थईने तेने समर्थन आपवुं जोईए। इतिहास गवाह है कि जब जब विपक्ष एकजुट हुआ है तत्कालीन केंद्र सरकार की चूलें हिल गई हैं। और बिहार तो इसका नजीर है कि 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत आया और 2015 में जब महागठबंधन चुनाव लड़ा 52 सभा किया था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और राजनीति की दुर्दशा का अध्याय बीजेपी का लिखा गया था। तो बिहार से तो इसकी शुरुआत अगर हो रही है तो उम्मीद तो ही की जाती है कि इतिहास फिर दोहराएगा, 2015 की स्थिति दिल्ली में बनेगी। बीजेपी जानना चाह रही है कि आप लोग का कैंडिडेट कौन है प्रधानमंत्री? भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इतिहास भी भूल गए हैं मोदी चालीसा में। अरे भाई मुरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, देवगौड़ा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पहले से तय हो गया था क्या? प्रधानमंत्री तय हो जाएगा पहले आपके राजनीति का डेथ वारंट जो है 2024 के चुनाव के लिए 23 जून को गैर भाजपा विपक्षी दलों की बैठक में लिख जब सिग्नेचर हो जाएगा तब एहसास होगा। देखिए स्थानीय स्तर पर समस्याएं होती हैं लेकिन चाहे ममता बनर्जी जी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे जो भी हों, सारे लोगों ने तो एक बात पर समान राय व्यक्त की है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की हुकूमत को हटाना है। ये तात्कालिक समस्याओं का निवारण स्थानीय स्तर पर हो जाएगा, इससे भारतीय जनता पार्टी को प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जब विपक्ष की पार्टियां, वामपंथी पार्टियां हो, कांग्रेस हो, क्षेत्रीय पार्टियां हो, जब एकजुट हो जाएंगी तो राजनीति की दुकान में ग्राहक इनके बंद हो जाएंगे। मीटिंग हो रही है, पार्टियां एक साथ आ रही है। जो पटना में आयोजित बैठक है इसके राजनीतिक निहितार्थ यह है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब विपक्ष की पार्टियां एकजुट हुई हैं तब तब तत्कालीन केंद्र के सत्ता की चूलें हिल गई हैं। और ऐसे दौर में जब 2015 में महागठबंधन बिहार में बना, आदरणीय नरेंद्र मोदी 14 में प्रचंड बहुमत थे और बिहार में उनको राजनीति में जमींदोज कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में बिहार में आयोजित इस बैठक अटलांटिक